हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेविगेटर ऋषि एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अभी रात का टाइम हो रहा है और अभी रात के 12 बजे हैं और मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है। अभी सेकंड सर आएंगे और सबसे पहले तो सेकंड सर का मैं बता देता हूँ। सेकंड सर जैसे आते हैं सबसे पहले कॉफ़ी ढूंढते हैं, दूध ढूंढते हैं, क्योंकि उनको कॉफ़ी पीनी होती है रात में, इसलिए खुद से बनाते हैं और हमें भी पिलाते हैं। अभी मेरा शिप है जो एंकर पे खड़ा है, अभी कोई काम नहीं है, लेकिन ब्रिज वॉच करनी होती है तो वो अभी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ फिलहाल। आए करो सर, आए करो। अरे सर वो सेकंड सर आ गए हैं, देखो अभी बढ़िया खाने पीने का सामान लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए सेकंड सर के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। तो अभी फिलहाल है ये केटल। ओहो, अभी तो मैंने गैस दूध पिया था तो साफ़ करके नहीं रखी हुई है, तो थोड़ा रुकिए अभी इसको साफ़ कर लेते हैं। वैसे इसमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे चल जाएगा। इसको साफ करने की जरूरत है, फिर इसको साफ मैं कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी दो खोलने में जलेगा वो, क्योंकि वो है उसमें पुराना है, जलेगा वो। जलेगा जलेगा नहीं जलेगा जल जाएगा, देखिए क्या जल जाएगा, फिर दूध भी नहीं है। अच्छा, इसको हटाऊं? हटा दे। तो भाई अभी इसे मैं साफ़ कर रहा हूँ, देखते हैं। अभी कॉफ़ी बनाने की तैयारियाँ चल रही है। मुझसे कॉफ़ी बनानी नहीं आती है, इसलिए मैं सेकंड सर का वेट करता हूँ कि रात में 12 बजे आए और वो अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाए, क्योंकि मुझे एक्चुअली रियली में कॉफ़ी बनानी नहीं आती है। चाय मैं अच्छे से बना लेता हूँ, बट कॉफ़ी नहीं बना पाता हूँ। तो कोई नहीं, सेकंड सर कॉफ़ी बना के पिलाएंगे। क्या हुआ सर? एक्चुअली गांव से आते हैं ना, तो गांव में हम कभी कॉफ़ी देखे नहीं। हाँ, तो आप बोल रहे हैं ना सर, एक्चुअली सेकंड सर बोल रहे हैं कि भाई हम थोड़ा क्या गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में क्या है कॉफ़ी का तो शौक रहता नहीं है, चाय का शौक रहता है। तो चाय बनाना अच्छे से आता है, खाना भी बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि कॉफ़ी कोई पीता नहीं है उधर, तो इधर इसलिए। अब जहाज पर तो सारी सुविधाएँ होती है, कॉफ़ी, बिस्किट्स, नमकीन, चाय, ग्रीन टी, लेमन टी, सब फैसिलिटीज़ होती है। बट एक्चुअली क्या है कि बनाने में प्रॉब्लम है भाई, हमको तो चाय बनानी आती है, कॉफ़ी वॉफी तो बनानी नहीं आती है। तो एक्चुअली सेकंड सर ने सीख ली है, फिर भी थोड़ी मेहनत करके अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं, तो मैं आज आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं सर। और ये हमारे पास केटल है, इसी में हमें जो करना है करना है। और ये केटल इसी में जो हमें करना है वह करना है। करेक्ट। साफ होने वाली है। अभी किसी अब पर्सनल काम के लिए अपन किसी को बुला तो नहीं सकते हैं ना कि यहाँ भाई कॉफ़ी बनानी है तो किसी को बुला लें, तो थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करने का, अपने से भी सब चीज़ें करने का, तभी आदमी परफेक्ट होता है, दूसरों से कब तक काम करवाता रहेगा। तभी आदमी शादी के लायक बनता है, ताकि शादी के बाद कभी बना के पिला सके। लेकिन सर आपकी शादी हो चुकी है, आपने कभी पिलाया मैडम को? हाँ, हम कभी कभी बना के चाय पिलाते हैं। चाय पिलाते हैं, बढ़िया वाली। नहीं, चाय तो मैं भी पिला सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अदरक इलायची वाली? हाँ, चाय तो मैं भी अच्छी बना लेता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी आती, ये मुझे आपसे सीखनी है। और कोई सिखा सकता है तो भाई सिखा सकता है, यूट्यूब पर कैसे कॉफ़ी बनती है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी सेकंड सर एकदम रेडी हो चुके हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, और आप भी देखिए कितना रेशो वो मिलाते हैं, कैसे बहुत मेहनत से बनाते हैं। मुझसे तो भाई नहीं बनती है कॉफ़ी, इसलिए आज मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ। अपने पीने के लिए जल निकालते हैं। जलपान कर रहे हो आप हैं? अभी रात के 12 बजे हैं, कोई इमेजिन। और यहाँ पे ये सारा ब्रिज है, एक्चुअली यहाँ से हम वॉच करते हैं सारा सब कुछ, नेविगेशन वॉच होती है। इधर देखिए आप, ये स्टेयरिंग है, इसके बारे में सारा ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सामने वो देखिए आप, सामने पूरा जहाज़ आगे दिखाई दे रहा है, लाइट्स वाइट जली हुई है। जो है सो यही है, ब्रिज में हम गैली जैसा सामान तो मिल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, इस केटल में ही जो करना है हमें करना है अपना। तो सर ने इसमें सेकंड अफसर अपना हिस्सा डाल चुके हैं इसमें, देखते हैं थर्ड अफसर के लायक दूध बचाएगा।
किस्मत अच्छी थी कि शायद उन्हें भी मिल जाए कॉफी। अच्छा नहीं। और यहाँ पे अभी ये फ्रिज रखा हुआ है, तो फ्रिज में अभी ज़्यादा तो आइटम नहीं है फिलहाल, लेकिन कुछ कुछ रखा हुआ है। हर फ्रिज में कुछ कुछ आइटम रखा हुआ होता है। यहाँ पे ये एक्चुअली कॉफ़ी है, हॉर्लिक्स है, दो आदमी के लिए करीब करीब, एक आदमी के लिए पौना एक चम्मच, ये देखिए हाँ काफ़ी है। पहले सर ने चीनी डाली इसमें, कितना चम्मच चीनी डाली सर? एक चम्मच अच्छा जब पौने एक चम्मच ओके ओके, हम गांव के आदमी तो ऐसे ही बात करते हैं। बिल्कुल 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 सही। अब ये थर्ड ऑफिसर को बनाना होता तो एक आदमी के लिए दो चम्मच लगता चीनी, लेकिन हम थोड़ा परफेक्शन के साथ बना रहे हो सर आप, है ना, कम रखना चाहते हैं ताकि बुढ़ापे में बिना चीनी के ना पीना पड़े। मतलब शुगर की बीमारी है उससे पहले की थोड़ा सा। सर इसमें कितनी डाली चीनी आपने? पौना एक चम्मच करीब करीब सेम मात्रा में जितना की चीनी। ओके ओके सर ओके। अभी दूध इसमें उबलने लगा है तो थोड़ा सा दूध उबलेगा, उसके बाद हम इसमें डाल के इसको मिलाएंगे। ओके सर ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध के पास है, ये हमारे पास यही सब हथियार है, इसी से हमें जो करना है मिलाना है चलाना है। ये देखिए हमारा दूध थोड़ा थोड़ा गर्म, लेकिन केटल में बहुत फास्ट उबलता है वैसे, है ना? फास्ट उबलता है लेकिन मेहनत का काम है क्योंकि इसे धोने में ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ कैटल में बनाना, लेकिन ये हमारी मजबूरियाँ होती है। हाँ तब मजबूरियों में जीना सीख लेते हैं जहाज पे। अब जो है यही है, आपको इसी से करना है, अगर पीना है तो बनाइए, नहीं तो फिर छोड़िए। क्या कर सकते हैं। ओहो गर्म दूध डाल दिया। अब बिल्कुल गर्म दूध डालने के बाद सर इसको पूरा सर सर चम्मच यूज में नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल चाकू को यूज में लेते हैं। धोने में भी ज्यादा मेहनत लगती है, चाकू थोड़ा इजीली धुल जाता है चम्मच के कंपैरिजन में। अच्छा अच्छा। चम्मच को धोते धोना पसंद नहीं करेंगे, अगर हमें चाकू धोना पड़े तो चाकू ही प्रेफर करेंगे। ओके ये देखिए जितना हो सके अच्छे से मिला लेंगे। ओके बाकी हम कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, बस ये नींद खुलने वाली कॉफी है। आप लोग ये ना समझे कि कम आपको जो CCD में मिलती है 150-200 रुपए की कॉफी इसी कॉफी मिलेगी, बट हम अच्छी कॉफी बना लेते हैं। हाँ ये कोई इतना खराब नहीं रहता कि कोई आके ले इसे और वापस फेंक दे डस्टबिन में या फिर बेसिन में, जैसे जिसने मैंने बनाई थी। उस लेवल का हमारा थर्ड ऑफिसर ही बना सकता है, क्योंकि हम अक्सर वॉच में 2-3 कॉफी पी लेते हैं तो थोड़ी धीरे धीरे हमें आदत हो गई कि तो अंदाजा हो जाता है करते करते चीज़ों की। ओके तो हमें लगता है मिल गया है तो अब अच्छे से उबालेंगे और बस सर। मिलाएंगे और हो गया हमारा कॉफी तैयार। बिल्कुल, लेकिन ये रेशियो ही तो समझ में नहीं आता है ना सर। एक्चुअली रेशियो तो वही है, आप सभी का जैसी इच्छा तो रेशियो के साथ पी सकते हैं। तो मैंने तो बताया इस चम्मच में करीब पौना एक चम्मच, ये एकदम कॉफी का देखो आप, कॉफी का एकदम कलर आ चुका है एकदम पूरा। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उबलता हुआ दूध मिलाना है। और ये दूध उबल रहा है अभी, उबलेगा इसमें धीरे धीरे, ये हो गया लगा। इससे ज़्यादा उबालेंगे तो बाहर आ जाएगा, फिर हमें पूरा धुलाई करना पड़ जाएगा। ये देखिए हम कितने कम रिसोर्सेस में सब कुछ कर लेते हैं। ये वैसे मरीन ऑफिसर जो होता है थोड़ी मतलब एडजस्ट करना कहीं ना कहीं सीख लेता है कोई भी चीज़ों में। जो एक बार जहाज पे काम कर लेता है उसका मतलब वो कि कहीं पे भी काम कर सकता है। करेक्ट करेक्ट और रॉन्ग सर? बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ सर ऐसे डालिए थोड़ा, अभी कॉफ़ी में दूध डल रहा है। हो गया अभी ये कप थोड़ा छोटा है। एक्चुअली जो शिप पे सेकंड ऑफिसर होता है वो अपने खाने पीने की चीज़ें हर जगह छुपा कर रखता है। जो हाँ बिल्कुल कुछ कुछ इंतजाम करके, अभी मैंने दिखाया था जैसे सर अभी क्या क्या सामान लाए थे सर आप? कभी कभी गिलास कोई उठा के ले गया, हम 12 बजे रात में गिलास कहाँ ढूंढेंगे। एक स्पेयर रखना पसंद करते हैं खासकर अपने लिए। करेक्ट करेक्ट सर। और उसकी लोकेशन में किसी को नहीं बताता, इवन थर्ड ऑफिसर को। इवन सुना आपने कि मेरे को पता नहीं रहता उसकी लोकेशन, तो मैं भी ढूंढते ढूंढते कभी परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं भी थोड़ा सा सर अभी कॉफ़ी मिला रहे हैं, एकदम कलर आ चुका है कॉफ़ी का।
एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ ये कॉफ़ी है, इसको अगर मैं 12 रुपये पर कप के हिसाब से बेचूँ तो लोग इतनी कीमत देना पसंद करेंगे। अच्छा मतलब आप कॉफ़ी सर 12 रुपये की तो चाय भी बन जाती है सर। हाँ तो सस्ती वाली है, कोई अच्छी वाली नहीं है, बट मतलब रात को आपको बस कॉफ़ी मिल जा रही है, वो आपकी किस्मत है। हाँ नहीं तो लोग कॉफ़ी ढूंढते ढूंढते ऐसे कहाँ, किसी किसी को अगर सामान भी पड़ा है तो बना नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार से हमें लगता है हमारा कॉफ़ी तैयार हो चुका है। थोड़ा तो थोड़ा कम पीना पसंद करते हैं। तो सर देखा आपने, सर ने कॉफ़ी बना ली है और हम इसको झाग भी निकालने में सफल हुए। ये देखो इसमें पूरा एकदम कॉफ़ी में जैसे बबल्स टाइप आते हैं, झाग आते हैं, वैसे प्रॉपर सर ने बना दिए हैं। अब कॉफ़ी का एक बार थोड़ा टेस्ट करते हैं कि कैसी बनती है। मुझे तो भाई अच्छी लगी कॉफ़ी, मुझे तो एकदम बहुत परफेक्ट लगी कॉफ़ी। और मैं हमेशा 12 बजे की वॉच में, जैसे मेरी 8 से 12 वॉच होती है, ख़त्म होने से पहले मैं सर का वेट करता हूँ, सर आ जाते हैं 5 मिनट पहले और फिर सर कॉफ़ी बनाते हैं, हम दोनों साथ में पीते हैं, फिर थोड़ा उसके बाद में फिर मैं सोने चला जाता हूँ। तो देखा आपने सेकंड सर ने कॉफ़ी बना ली है अभी, और अभी पूरा जहाज का जायज़ा लेंगे किधर अपने ब्रिज, तो अभी पूरे ब्रिज का जायज़ा लेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी मुझे भी हैंड ओवर टेक ओवर करना पड़ेगा कि क्या जैसे हम आते हैं तो नींद में रहते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती है, तो हम पहले कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं ताकि हम अच्छे से तरोताज़ा हो जाए। इधर देख के सर। हाँ उसके बाद हम अपना वॉच ठीक से हैंड ओवर लें, टेक ओवर करें। हाँ तो सर एक चलिए थोड़ी कॉफ़ी पे वार्तालाप करते हैं सर के साथ कुछ कुछ। तो सर आपने ये कॉफ़ी बनाना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, अपने से सीखा या फिर किसी ने मतलब आपको? एक्चुअली ये सब चीज़ें हम कैडेटशिप में सीखना हमारी मजबूरी हो गई थी। अगर आप सही से कॉफ़ी नहीं बना सकते हैं तो चीफ ऑफिसर आपको ज़्यादा काम दे देगा। तब हम इसे करते करते धीरे धीरे सीख गए, ऊपर से जब COC लेके आए सेकेंड ऑफ थर्ड ऑफिसर में, फिर सेकेंड ऑफिसर में, तो फिर रात को एक ज़रूरी हो जाता है कॉफ़ी पीना, तो हम वही बनाते गए, कभी जल गई कभी चीनी कम तो कभी चीनी ज़्यादा, इसी प्रकार करते करते हम सीख गए। तभी मतलब ये आपकी मेहनत से बनी है कॉफ़ी, मतलब बिल्कुल इसमें किसी का श्रेय नहीं है, किसी का कोई योगदान नहीं है, तो ये सब जो है हमारी अपनी खुद की मेहनत है। तो आपको लगता है कि ये एक मरीनर्स जो होता है वो हार्ड वर्किंग होता है? मरीनर चाहता तो नहीं है लेकिन होना पड़ता है, मजबूरी है, मजबूरी है, लेकिन फिर घर पे भी ये मजबूरी कंटिन्यू हो जाती है। घर पे तो अभी तो हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, अब तो शादी वादी हो रखी है, हमारी छोटी सी बेटी है, बस बेटी के साथ खेलते हैं और सोते हैं, बस जहाज पे जितना काम रहता है वो सब का भरपाई हम घर पे सो के कर लेते हैं। मतलब पूरा एंजॉय घर पे करते हो आप, जहाज पे पूरी मेहनत उसके बाद में घर पे, लेकिन घर पे जैसे कोई काम आ जाता है तो फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी खेतों पर जाता हूँ तो मुझे हल चलाना मुझे आता है तो मैं हल चलाता हूँ। मान लीजिए किसी आदमी की कमी हो रही है, एक आध लेबर कम हो रहे हैं तो खेतों में कुदाल लेके पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ खेत हुए थे तो धान वान की खेती है, सब्जी की खेती है, सभी करते हैं। मतलब आप मानते हो या नहीं मानते हो कि एक मरीनर जो होता है वो हार्ड वर्किंग होता है, जैसे कि हमारे सेकंड सर ने, भाई मेरी भी आपने वीडियो बहुत बार देखी होगी, मैं भी खेतों में काम करता हूँ, जैसे मैंने बहुत वीडियो डाल रखी है, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए कि मैंने भी खेतों में कितना काम किया। वैसे हमारे सेकंड सर हैं वो भी घर पे जाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं। तो मतलब ये तो प्रतिक्रिया जीवन की है, वो चली आ रही है और चलती रहेगी। तो ये थोड़ी वार्तालाप थी सेकंड सर के साथ, एक कॉफ़ी के साथ। सर रोज़ाना कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, मैंने सोचा कि इसको वीडियो में दिखाया जाए, सर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के साथ पिलाते हैं। तो सर को अभी मैं हैंड ओवर कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। एक्चुअली जब यहाँ से ड्यूटी से ऑफ होते हैं तो सारा हैंड ओवर करना पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या वेदर है, कौन से इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, कोई कुछ सडनली ख़राब भी हो गया है, जहाज के आसपास का माहौल क्या चल रहा है। तो बस मैं अभी सर को बताऊँगा कि अभी मेरे पिछले प्रीवियस 4 आवर में क्या क्या हुआ और मुझे क्या क्या आगे जाकर सर को हैंडओवर करना है। अभी आज एक्चुअली ऐसा कोई काम है नहीं, तो आज बस एक बोट इधर उधर घूम रही थी शिप के, वो भी शायद मुझे लगता है कि नहीं है। वॉच में जाने से पहले जहाज के चारों तरफ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हमको नेक्स्ट 4 आवर में काम करना है, वो जो रिलीव कर रहा है ऑफिसर उसको सारा सब कुछ बताना चाहिए। तो सर अभी एक वोट है, बस एक वोट ही है तो, और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। मच्छी पकड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसे ताज़ा मच्छी बुला के ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक एक्चुअली फिशिंग बोट घूम रही है, वो फिश पकड़ने के लिए आती है यहाँ पे शिप के आसपास। अपना जो है नेट ना होता है कि ज़्यादा मछलियाँ मिलती है, खड़ी शिप है तो। हाँ, तो मैंने सेकंड सर को अपनी वॉच हैंड ओवर कर दी है और अभी मैं चलता हूँ सोने। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।